हाज़रीन नाज़रीन इकराम, अस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह सूरह बकरा आयत नंबर 80 से शुरू करेंगे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون। الله وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة। और ये कहते हैं कि हमें नहीं छुएगी आग मगर गिनती के चंद दिन। कुल अत्तखस्तुम इंदल्लाहि अहदन, आप उनसे कहिए कि क्या तुमने अल्लाह से कोई वादा किया हुआ है, यानी या अल्लाह ताला ने तुमसे कोई वादा किया हुआ है। फलन युखलिफ अल्लाहु अहदहु, पस खिलाफ नहीं करेगा अल्लाह ताला अपने वादे की। अम तकुलूना अलल्लाहि मा ला तालमून, या तुम कहते हो अल्लाह पे जिसका तुम्हें इल्म नहीं। हकीकत ये है, बला बला मतलब ये बात नहीं है। मन का सब सैयद, बात ये है कि जिसने बुराई की, वह अहातत भी खतियत हो और घेर लिया उसको उसकी बुराई ने, बुराइयों ने। पौलाई का असाब नारे, ये लोग जो हैं दोजख वाले हैं। हम फीहा खालिदून, हमेशा इसमें रहेंगे। वल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहात, और जिन जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किए। उलाइका असहाबुल जन्ना, ये लोग जन्नत वाले हैं। हम फीहा खालिदून, हमेशा इसमें रहेंगे। सामईन इकराम, बड़ा अहम मज़मून है और बज़ाहिर मुखातिब इसके यहूद हैं, और तर्जुमा जैसे कि आपने सुना कि वो कहते हैं वक़ालू लन तमस्सना नार इल्ला अय्यामन मअदूद। पहले तो मैं आपको शाने नुज़ूल के हिसाब से इसकी तशरीह पेश करूँगा। यहूद कौन थे? बनी इसराइल, बनी इसराइल यानी इसराइल की औलाद। इसराइल कौन थे? इसराइल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते थे, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बेटे थे, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। उनका लक़ब क्या था? इसराइल। बनी इसराइल याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे, आपको तारीख़ अच्छी तरह मालूम है। और फिर वो मिस्र में जाके आबाद हो गए। जो कहत आया उसके बाद जो है वो मिस्र में जाके आबाद हो गए, और वहाँ इख्तदार अल्लाह ताला ने उनको मिस्र का इख्तदार हवाले कर दिया, और वो वहाँ के हुक्मरान बन गए, और मुकामी लोग जो थे वो ग़ुलाम बन गए। बहरहाल तो ये 12 बेटे थे, और इससे फिर 12 कबीले बने। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम आए थे तो 12, आपको पता है कि 12 कबीले खूब अच्छी तरह, यानी उनकी तादाद खूब बढ़ गई थी। तो ये बुनियादी तौर पे ये बनी इसराइल जो हैं, ये औलाद हैं पैगंबर की।
इनका एक जाम था, एक जाम बातिल था कि हम तो यानी नेक लोगों की औलाद हैं, पैगंबरों की औलाद हैं। एक ये बात थी, इनके जहन में पड़ी भी थी। तो इस हकीकत का इजहार जो है कुरान पाक की दूसरी आयत में भी उन्होंने किया है कि लन यदखुलल जन्नत इल्ला मन कान हूदन और नसारा। जन्नत में यहूद और नसारा के अलावा कोई जन्नत में दाखिल नहीं होगा, ये उनका एक अकीदा था। आज भी उनका यही अकीदा है। और दूसरी जगह कुरान पाक में है कि वो कहते थे कि नहनु अबना अहिबाउ, कि हम तो अल्लाह ताला के बेटे हैं और उसके महबूब हैं। यानी एक जाम बातिल था कि हम पैगंबरों की औलाद हैं और अल्लाह ताला हमारे साथ नरमी का मामला करेगा और हम अल्लाह ताला के महबूब हैं। ये एक तसव्वुर उनके जहन में पड़ा हुआ था और इसका इजहार जो है कुरान पाक में यानी अल्लाह ताला ने उनकी जबान से किया हुआ है। जैसे कि मैंने आपको वो आयात पढ़ के सुनाई है, तो इसी बिना पर उनका ये ख्याल था कि आग जो है हमें नहीं छू सकती। क्यों? कि हम तो बड़े अल्लाह ताला के महबूब हैं, उसके बेटे, उसने हमें बेटे बेटा बनाया हुआ है और हम पर बड़ा मेहरबान है। तो लन तमस्सना नार, वो कहते थे कि हमें आग जो है नहीं छू सकती, आग हराम है हम पे, दोजख की आग हमारे लिए हराम है। बाकी लोग जाएंगे लेकिन हम नहीं जाएंगे। हाँ, अगर कुछ हमारी ऐसी कौमी गलतियां हैं तो उसकी बिना अगर चंद दिन के लिए हम दोजख में गए भी तो वो गिनती के चंद दिन होंगे, इल्ला अय्याम मादूदा। इससे वो ये मुराद देते कि जिस यानी हमने बिछड़े की इबादत की थी और मुख्तलिफ किस्म के जो उनके काम थे, इसकी बिना अगर हम दोजख में जाएंगे लेकिन वो भी गिनती के चंद दिन होंगे, उसके बाद जो है अल्लाह ताला हमें उसे निकाल लेगा और जन्नत हमारा ठिकाना है, आखिरी ठिकाना हमारा जन्नत है। अल्लाह ताला उनसे फरमाता है कि कुल अत्तखस्तुम इंदल्लाहि आहदन, क्या अल्लाह ताला ने, आप इनसे पूछिए कि कोई आपके पास दिखाइए कोई वादा अल्लाह ताला का लिखा हुआ है आपके पास, कोई आयत बता दें तौरात की, कुछ भी बता दें इसके सबूत में, जो तुम्हारा ख्याल है, जो गलत ख्याल है इसके, इसका क्या सबूत है? अत्तखस्तुम इंदल्लाहि आहदन, कोई वादा वाइद हो चुका है अल्लाह ताला का? अम तकुलूना अलल्लाहि मा ला तालमून, या तुम अल्लाह पे वो झूठ घड़ते हो, वो बात बनाते हो जिसका तुम्हें इल्म नहीं है। यानी इस बात की क्या दलील है तुम्हारे पास कि तुम्हें आग नहीं छुएगी, अगर छुएगी तो गिनती के चंद दिन होंगे। तो ये बात जो है अल्लाह ताला उनकी उनके जहनों से निकाल रहा है कि मैंने तो तुमसे कोई ऐसा वादा नहीं किया है, तुम क्यों गुरूर और घमंड में मुब्तिला हो, तुम क्यों अपने आप को एक बरतर कौम समझते हो? फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बला। अब फिर अल्लाह ताला बताते हैं कि बात ये नहीं है कि तुम्हारा जो ख्याल है वो गलत है, बला तरदीद करता है इनके इस ख्याल की, बला ये बात नहीं। अब अल्लाह ताला फिर दोजख में जो लोग जाएंगे उसकी तफसील अल्लाह ताला बयान करता है, लेकिन उससे पहले आज के हालात के हिसाब से हम देखें अगर इसमें हमारे लिए क्या सबक है। क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हमें फरमा चुके हैं कि लतत्तबिउन्न सुबुल मन कबलकुम शिब्रम बिशिब्रम ज़िराअम बिज़िराअम
हत्ता लव दखलु जुहर दब्बिल लत्तबातुम। قالوا اليهود والنصارى قال فمن کہ حضور نے ہمیں پیش گوئی کر دی ہے کہ تم یہود کے قدم پہ قدم نقش قدم پر چلو گے۔ تو اب آج اگر ہم اپنے آپ کا محاسبہ کریں اور دیکھیں کہ آج امت مسلمہ اس کا کیا حال ہے، تو بات یہ ہے کہ مجھ سے زیادہ آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو اس وقت اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین قوم گردانتے ہیں، نمبر ایک، یعنی باقی تمام اقوام کو اپنے سامنے ہیج سمجھتے ہیں۔ آج کا جو مسلمان ہے، ہندو ایک گالی ہے اس کے لیے، یہودی گالی ہے اس کے لیے، عیسائی گالی ہے، بھنگی گالی ہے، بدھ مت گالی ہے اس کے لیے، اور مسلمان، ہاں میں تو مسلمان ہوں، اور اس پر پھر فخر کرتے ہیں۔ اللہ، بعض وقت مسجدوں میں بات ہوتی ہے، یہ کچھ اصحاب مل کے بیٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا احسان شکر گزار ہوتے ہیں کہ اس نے ہمیں انسان پیدا کیا ہے، شروع ان کی اس بات سے ہوتی ہے، اور پھر انسان کے بعد ہمیں مسلمان کے گھرانے میں پیدا کیا ہے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اس کے پیچھے جو مضمون ہے سامعین اکرام، یہ ہے کہ بس ہم تو بخشے بخشائے ہیں، اور سامعین اکرام آج ہماری جس طرح تربیت ہوئی ہے، اب ظاہر ہے کہ اسی معاشرے میں آپ نے بھی آنکھیں کھولی ہیں اور میں نے بھی اسی معاشرے میں آنکھیں کھولی ہیں، اور ہماری اور آپ کی ذہنیت آپ دیکھ لیں، ہمارا ذہنیت کیا ہے کہ ہم تو کلمہ گو مسلمان ہیں، اس کے بعد جو مرضی آئے کرتے پڑے۔ اس کے بعد، یعنی ہمارے ذہن میں کیا ہے کہ اس کے بعد ہم پر کوئی پابندی نہیں ہے، بس، یعنی زبان سے تو ہم ایسے بات نہیں کہتے، لیکن عملی طور پہ آج کا مسلمان اپنے آپ کو عمل سے، اللہ تعالیٰ کے حکموں کی تعمیل سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے اپنے آپ کو بری الذمہ سمجھتا ہے سامعین اکرام، اور یہ مظاہر، یہ خیالات، یہ آپ عام دیکھتے ہیں معاشرے میں کہ یہ ایسی بات عام ہے۔ آج کا مسلمان شریعت کی پابندی سے اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات اور اس کے حدود کے خیال رکھنے سے اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے سامنے ایک نمونہ ہے، وَلَكُمْ فِي رَسُولُ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ ہے، تو اس سے ہم اپنے آپ کو بری الذمہ سمجھتے ہیں۔ تو پھر کیا ہے، پھر یہ ہے کہ بس ہم نے تو کلمہ پڑھا ہے۔ اب دیکھیں، اکثریت ایسے لوگوں کی ہے، ہمارا دین کی جو بنیاد ہے وہ نماز سے شروع ہوتی ہے، لیکن نماز کو ہم نے ضائع کر دیا ہے، یعنی یہ میں تو اتنی اس میں وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، نہ دلائل کی ضرورت ہے، لیکن نماز کو ہم نے ضائع کر دیا ہے۔ بہت سے لوگ معاشرے میں ایسے ہیں کہ جو نماز کی نہ تو پابندی کرتے ہیں، نہ نماز کے اوقات کا خیال رکھتے ہیں، نہ نماز کی شرائط کا خیال رکھتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں، نماز اذان ہوتی ہے، پھر جماعت کا وقت ہوتا ہے، پھر قضا ہونے کا وقت ہوتا ہے۔ آپ بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ یہ نہیں لگتا کہ یہ اذان کس کے لیے کی گئی ہے، اس میں کیا دعوت دی گئی ہے، ان کے کان پر جو ہی نہیں دیکھتی، اذان سنتے ہیں لیکن کان پر جو ہی نہیں لگتی،
अजान क्या है? अजान बुलावा है। अजान हो गई, बस इसका मतलब यह है कि नमाज का वक्त हो गया, अब आप नमाज पढ़ लें। जो मस्जिद जाने वाले हजरात हैं तो वो मस्जिद में जाएंगे, नमाज अदा करेंगे, और जो घर की खवातीन हैं वो घर के एक हिस्से में नमाज अदा। नमाज में देर करना, उसमें सुस्ती करना, ये सामईन करम मुसलमानों का शेवा नहीं है, बल्कि मुनाफिकों की बाबत में अल्लाह ताला ने ये इरशाद फरमाया है कि ला यातून सलात इल्ला वहुम कुसाला। नमाज पढ़ते हैं लेकिन बहुत ढीले ढाले, सुस्त, यानी सुस्ती से, और एक बोझ है जो उसके सर पे है। पढ़ लेंगे भाई, अभी तो काफी वक्त है, पढ़ लेंगे पढ़ लेंगे पढ़ लेंगे, अभी तो अजान हुई है, क्या जल्दी है। बात यह है कि वही मैं बात कर रहा हूँ आपको दोबारा, वो बात जो है मुझे दोहरानी पड़ती है कि बात यह है कि इस्लाम और दीन इस्लाम की दावत क्या है, अल्लाह की दावत क्या है, रसूल की दावत क्या है। ये बात अच्छी तरह नोट कर लें कि ये सारे जो हमारे मज़ाहिर हैं ये सिर्फ इस वजह से हैं कि रसूल की दावत पर हमने तवज्जो नहीं दी, उसको न तो सुना है, रसूल की पुकार को हमने नहीं सुना है, अल्लाह की पुकार को हमने नहीं सुना है, न वो मकासिद जो अल्लाह ताला चाहता है हमसे, जो हमारी जिंदगी से चाहता है, न वो मकासिद हमारे मकासिद है, बल्कि हमारा मकसद जिंदगी क्या है, वलम युरिद इल्लल हयात दुनिया, सर सिर्फ दुनिया ही की जिंदगी हमारा मकसद है, अव्वल और आखिर। तो बात यह है कि फिर तो कुछ कहना ही फजूल है, लेकिन अब आयात हैं और हम कुरान पाक पढ़ रहे हैं तो आप सुन लें, यानी एक मेरी तो मजबूरी है कि मैंने तो कहना है, क्योंकि हम तो कुरान के मफाहीम और मतालिब लेकिन इसके बयान कर रहे हैं, तो मेरी तो मजबूरी है कि मैंने आगे जाना है और जो आयात हैं उस पर मैंने बात करनी है। तो ये एक तसव्वुर सामने निकरा माशरे में, ये तसव्वुर पाया जाता है आज के मुसलमान माशरे में कि मैंने तो कलमा पढ़ा है, बाकी जो मर्जी आए करो, मैंने नमाज पढ़ ली है जो मर्जी आए करो, मैंने रोजे रख लिए हैं बस इसके बाद, मैंने हज कर लिया है बस इसके बाद जो मर्जी आए करो, मैंने जकात दे दी है बस फिर माल जिस तरह मर्जी आए उड़ाओ। ये एक तसव्वुर है और सामिन किराम ये पाया जाता है, अगर पाया न जाता होता तो फिर मैं इस पर इतनी बात न करता, लेकिन ये एक तसव्वुर है। एक यहूदियों का जो तसव्वुर है वो आज हमारा तसव्वुर बन चुका है। क्यों भाई, क्यों मुतमईन हो भाई, हम तो मुसलमान हैं, और दूसरे ये कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे शाफे महशर हैं और वो हमारी शफाअत करेंगे, बस हमें फिर किस चीज की वो है। और फिर देखें ये बात सिर्फ हमारी गलतफहमी नहीं, कुछ गलतफहमियां हमारे जहनों में डाल दी गई हैं, कुछ आयात कुरान की आयात की यानी उसके माने को हमने नहीं समझा, फिर अहादीस कुछ ऐसी हैं जिसके माने को हमने नहीं समझा। मिसाल के तौर पे एक हदीस अभी गुजरी थी कि हुजूर फरमाते हैं कि मेरी ये उम्मत जो है, हाजी ही उम्मती उम्मतुम मरहुमा, ये उम्मत जो है ये उम्मत मरहुमा है, इसके लिए अजाब आखिरत नहीं है, इसके लिए दुनिया के अजाब हैं, वो फितने हैं, जिलजिले हैं और किताल है बस। यानी ये बाकायदा ये अहादीस, ये हदीसें कोट की जाती हैं। अब इसमें मजीद उसकी तफसील नहीं बयान की जाती, जो हदीस बयान कर रहे हैं उनको खुद नहीं मालूम कि इसका क्या माना है। थोड़ी सी आपको मैंने कहा ना कि हदीस और कुरान, इसके लफ्जी तर्जुमे पे आपने यानी
बस नहीं करना, बल्कि आपको मैंने कहा है कि कुरान और हदीस ये आपने उस्ताद से सीखनी है, ताकि वो ऐसा उस्ताद जो के साहिबे कुरान हो, क्योंकि जो साहिबे कुरान ना हो तो फिर तो बड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि कुरान की रूह को कोई शख्स ना समझे वो आपको कैसे कुरान की रूह से वाकिफ कराएगा। वो तो लफ्जी तर्जुमा के माने आपको बयान कर देगा, अल्लाह अल्लाह खैर सर। तो सामिन इकराम, ये एक बात मैं कहता रहता हूँ और इसको दोहराना कोई बुरी बात नहीं है, कि कुरान का इल्म, एक तो कुरान का इल्म, अपनी ज़रूरियात का इल्म हासिल करना हम पे लाजिम है। एक ये और मुसीबत है कि हम कुरान और हदीस, इसकी साथ हमारा शौक और शगफ नहीं। हालांकि कुरान तो नूर है, कुरान से नूर लेना चाहिए, रोशनी लेनी चाहिए, हदीस भी रोशनी है, ये दोनों जो है रोशनियां हैं, लेकिन इस रोशनी से हम ना तो इस पर समझने की कोशिश करते हैं, ना इसको दिल में उतारने की कोशिश करते हैं। तो बात यह है कि कुरान की मैं बात कर रहा था, इस हदीस की मैंने आपको बात की कि हुजूर फरमाते हैं उम्मती हाजी ही मरहुमा, ये उम्मत जो है, अब इसमें हाजी ही का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, और हाजी ही से मुराद क्या है कि वो जो खैरुल कुरून थे उनसे इस हदीस में वो मुराद है, न के कयामत तक की तमाम उम्मत जो है। हुजूर की हदीस है, यानी एक हदीस फिर दूसरी हदीस की तशरीह करती है। आपने समझना होगा कि भाई हुजूर ने यहां ये कहा है, दूसरी जगह क्या है, तो आप हदीस को हदीस के जरिए समझेंगे। फिर हुजूर फरमाते हैं कि खैरुल कुरून करनी सुम्मल्लज़ीन यलूनहुम सुम्म यश्फुल कज़िब, फिर झूठ फैल जाएगा। बेहतरीन जमाना जो है, हुजूर फरमाते हैं, मेरा जमाना है, इसके बाद जो लोग हैं वो भी बेहतरीन है, इस और उसके बाद जो लोग हैं, यानी तीन जमानों को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहतरीन जमाना करार दिया है। हुजूर का जमाना, सहाबा का जमाना और ताबेईन का जमाना, ये तीन जमाने गुजरे हैं। फिर हुजूर फरमाते हैं कि इसके बाद फिर झूठ फैल जाएगा। और फिर एक और हदीस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो बात याद करें कि हुजूर फरमाते हैं कि मोमिन सब कुछ हो सकता है लेकिन झूठ नहीं बोल सकता, झूठा नहीं हो सकता। और झूठों पे तो फिर लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, अल्लाह की लानत है, जो अल्लाह की लानत होगी झूठों पे, तो फिर क्या है, फिर तो जहन्नम है। तो बात यह है कि उम्मती हाजी ही उम्मतुम मरहुमा, ये उस खैरुल कुरून के बारे में है हदीस। इसके बाद तो फिर झूठ सब कुछ फैल गया। आज देखें, आज झूठ है कि नहीं, आज माशरा जो है झूठ से भरा हुआ है, लोग झूठ बोलने में तामुल नहीं करते, झूठ बोलने में तामुल नहीं करते। आप देखें कचहरियों में झूठ झूठी गवाहियां बिकती हैं, आप 50 रुपए दे दें, 100 रुपए दे दें, आपके लिए गवाही तैयार होगी, इंसान 100 रुपए आपसे लेके आपके हक में गवाही दे देगा कि हाँ मैं कसम खाता हूँ, अल्लाह की कसम खाता हूँ कि ये शख्स ऐसा है या इसने ऐसा किया। देखिए बिक रही, यानी दीन जो है वो आप देखें आज किस हद तक पहुंच चुका है। तो ये लन तमस्सना नारु इल्ला अय्यामन मादूदा, सामिन किराम आज भी हमारा यही तसव्वुर है कि हम तो जन्नत के ठेकेदार हैं और हम जाएंगे जन्नत में, और अगर कुछ दिनों के लिए जाना भी पड़ा जहन्नम में तो चंद, वो कहते हैं चंद गोते मार के आ जाएंगे। ये एक आम, एक वबाए आम है सामिन, यानी कुछ वक्त के लिए चले जाएंगे फिर तो जन्नत तो हमारा टिकट कटा हुआ है। ये एक आम
तसव्वुर है। तो लेकिन देखें कि अल्लाह ताला इसके बारे में क्या कहता है। वकालु लन तमस्सन, अब ये देखें शाने नुजूल के हिसाब से तो मैंने आपको बता दिया, अब हम अपने ऊपर इसको फिट करते हैं, यानी ये मुसलमान कहते हैं वकालु लन तमस्सन नार, क्योंकि जो ये बात कहते थे ये अपने वक्त के मुसलमान थे, सामने लिखना यहूद जो थे अपने वक्त के सामने वो मुसलमान थे, तौहीद रिसालत आखिरत तीनों से तीनी को ये मानते थे, तौहीद को मानते थे, रिसालत को मानते थे, आखिरत को मानते थे। आज हम भी तौहीद रिसालत आखिरत को मानने का दावा करते हैं, इकरार करते हैं, ये और बात है कि दिल से उसका तस्दीक नहीं करते। तो ये कहते हैं कि हम नहीं छुएगी हमें आग इल्ला अय्याम मादूदा, आग अगर आग में कोई जाएंगे तो हिंदू जाएंगे, हम ये कहते हैं, हम ये समझते हैं भाई हिंदू जाएंगे, भंगी जाएंगे, बुद्ध मत वाले जाएंगे, सिख जाएंगे, ईसाई जाएंगे, यहूदी जाएंगे, मजूसी जाएंगे, हम मुसलमान हमारा तो टिकट कटा हुआ है जन्नत का। लन तमस्सनन्ना, आग छुएगी भी नहीं हमें, इल्ला अय्याम मादूदा, अगर कुछ गुनाहों की पादाश में जाना भी पड़े तो वो गिनती के चंद दिन होगा। तो अल्लाह ताला कहता है कि आप उनसे पूछिए कि तुमने कोई अल्लाह से कोई लिखत पढ़त की, कोई वादा वईद हुआ है तुम्हारा, कैसे तुम ये बात कहते हो कि जन्नत के तुम ठेकेदार हो, कैसे कहते हो? अत्तखस्तुम इंदल्लाह अहदन, क्या लिया हुआ है अल्लाह ने तुमसे, अल्लाह से तुमने कोई वादा लिया हुआ है? फलन युखलिफल्लाहु अहदहु, तो अल्लाह ताला अपने वादे के खिलाफ नहीं करेगा। अम तकुलून अलल्लाह मा ला तालमून, या तुम अल्लाह पे बोलते हो जो तुम जानते नहीं। और सामिन वाकई ये बात है कि हम तो नहीं जानते कि जन्नत में कौन जाएगा, लेकिन हमने एक उम्मीदें कायम कर ली हैं, गुमान है और उम्मीद, ये तो हमने गुज़श्ता सबक में पढ़ा था कि उम्मीदें और गुमान। इल्ला अमानी व इन्हुम इल्ला यज़ुन्नून ला यालमून अल-किताब, इनमें से बाज़ ऐसे अनपढ़ हैं जो किताब को नहीं जानते। आज तो जो किताब को जानने वाले हैं वो भी हमें सीधी रास्ते की तरफ नहीं लगाते, अफसोस की बात यह है। और मैं बड़े अदब से ये बात कह रहा हूँ, यानी किसी से इख्तिलाफ करना हरगिज़ मेरा वो नहीं है, लेकिन यह है कि जो किताब का इलम जानते हैं, जो दावा करते हैं, तो वो भी रूह किताब से नावाकिफ है कि रूह किताब की रूह क्या है। अब अगली आयत में बला मन कसब सैयातम व अहातत बिही खतीअतुहु फउलाइका असहाबुन नार हुम फीहा खालिदून, तर्जुमा क्या है? ये बात नहीं है जो कि तुम कह रहे हो बला का ये मतलब है, बला हरगिज नहीं, तुम जहन्नम में जाओगे। क्यों जाओगे? मन कसब सैयातम, लफ्जी तर्जुमा मैंने आपको पढ़ भी दिया है, दोबारा आप सुने कि जन्नत में कौन लोग जाएंगे, दोजख में कौन लोग जाएंगे? मन कसब सैयातन, जिसने बुराई का इर्तिकाब किया, वह अहातत बिही खतीअतुहु, और उसके गुनाहों ने उसको घेर लिया, फउलाइका असहाबुन नार, ये लोग दोजख वाले हैं, हुम फीहा खालिदून, हमेशा उसमें रहेंगे। सामिन किराम, हमें जो इसकी तफसील मिलती है फिक्री लिहाज से या किताबों में, तो इसके बारे में थोड़ी सी वजाहत है। अल्फाज तो ये हैं कि भाई जिसने बुराई की और बुराई ने उसको घेर लिया। देखिए गुनाह तो खतिया, यहाँ लफ्ज इस्तेमाल हुआ है सैया, सैया और खता, यानी गुनाह और खताएं, ये किससे नहीं होती, हर एक से होती हैं, और ये यानी इंसान से खता हो सकती है, उसका सुदूर, गुनाह का सुदूर हो सकता है, लेकिन बात यह है
एक बात तो यह है कि यानी अच्छी तरह तवज्जो से सुने, गुनाह एक तो मुसलमान जो है गुनाह जानबूझकर नहीं करता, हो जाता है, इंसान है, जज्बात में आ जाता है, भूल जाता है, जज्बात में आ जाता है तो गुनाह उससे इर्तिकाब हो जाता है। लेकिन यह है कि गुनाह का यानी जो उसका माफी का तरीका है वो ये है कि एक तो जब भी किसी से कोई गुनाह हो जाता है मुसलमान से, तो एक मुसलमान की सिफत ये है कि वलम युसिर्रु अला मा फअलू वहुम यालमून, ये गुनाहों पर इसरार नहीं करते, वलम युसिर्रु यानी इस पर इसरार नहीं करते, अला मा फअलू जो कुछ उनसे गलती हो जाए उस पर वो इसरार नहीं करते, जानते बूझते इसरार नहीं करते, गलती हो जाए। इजा मस्सहुम ताइफुम मिनश शैतान तज़क्करू फइजा हुम मुबसिरून, शैतान की तरफ से अगर कोई उनको यानी वसवसा आता है या गलती हो जाती है तो फौरन तज़क्करू चौकन्ने हो जाते हैं, फइजा हुम फिर मुबसिरून हकीकत खुल जाती है, आंखें रोशन हो जाती हैं कि भाई हमने तो गलती कर ली। जैसा कि आदम से एक भूल हो गई तो फिर उन्होंने क्या कहा, वो तो उन्होंने इसरार नहीं किया, ये तो शैतान था कि जिसने फिर गलती पर इसरार किया। तो एक बात इसमें नोट कर लें कि गलती पर इसरार करना ये शैतान की सिफत है, और गलती पर नादिम होना और तौबा तायब होना और उसकी इसलाह करना, अल्लाह ताला से माफी मांगना, ये आदम की सिफत है, इंसान की सिफत है, और गुनाह पर इसरार करना ये शैतान की आदत है। ये बात नोट कर लें कि गुनाह पर इसरार करना शैतान का काम है, और गुनाह के बाद उस अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होना, उससे अपने गुनाहों की माफी मांगना, ये इंसान का काम है। तो आदम से जब भूल हुई तो उसने क्या कहा, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन, ए अल्लाह ताला हमने अपने ऊपर ज़्यादती की और अगर तूने हमें माफ़ नहीं किया तो हम तो नुकसान उठाने वाले, और हम पे रहम नहीं किया तो हम तो नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। तो बात यह है कि गलती होती है इंसान से, तो इसमें नुक्ता यह है कि गलती हो जाए तो उस पर एक तो यह है कि आपने इसरार नहीं करना, माफी मांगनी है, नादिम होना है, उसकी इसलाह करनी है। तो अल्लाह ताला अत्ताइबु मिन अज़्ज़म्बि कमल्ला ज़म्ब लहू, गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा है गोया कि उसने गुनाह किया ही ना हो। फिर जब गलती हो जाती है तो इंसान उसके बाद नेकी, उसकी इसलाह करके नेकी के काम शुरू कर देता है। तो फिर क्या होता है, इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यिआत ज़ालिका ज़िक्रा लिलज़ाकिरीन, नेकियां जो हैं बुराइयों को मिटा देती हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को नमाज की बरकात से आगाह कर रहे थे, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को सहाबा से पूछा कि देखो अगर एक आदमी के घर के किनारे जो है वो नहर बह रही है और वो 5 वक्त उसमें जो है नहाता है, गुस्ल करता है, तो क्या उसके बदन पर कोई मैल बाकी रहेगा अगर 5 वक्त वो नहाए। सहाबा ने कहा नहीं हुजूर, 5 वक्त अगर नहाए तो मैल कहाँ रहेगा। तो हुजूर ने फरमाया कि इसी तरह नमाज जो है इंसान को गुनाहों से पाक कर देती है। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी एक दरख्त के जो सूखा हुआ था उसके टहनी को पकड़ के झाड़ा,
तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि देखो, इंसान जो नेकी करता है तो ये गुनाह उससे इसी तरह झड़ जाते हैं। तो सामिन किराम, गुनाह की माफ़ी तलब करना या उसको माफ़ कराना बहुत आसान है, उसका एक ख़ास लगाबंदा तरीक़ेकार है। इल्ला मन ताबा व आमना व आमिल सवालिहा, जिसने रुजू कर लिया, अल्लाह पे ईमान लाया और उस गलती की इसलाह कर ली, तो अल्लाह ताला उस पर यानी मुतवज्जे हो जाता है रहमत के साथ और उसकी माफ़ी कर देता है और उसको बख्शिश से नवाजता है। अच्छा, दूसरे किस्म के ऐसे लोग होते हैं कि वो गुनाह पर इसरार शुरू कर देते हैं। सामिन किराम, आजकल जो है गुनाह पर इसरार हो रहा है और इसको कुरान की जबान में यजहदून के नाम से पुकारा गया है। बेआयात है ना, यजहदून यानी दीदा दानिस्ता उनसे इनकार करते थे। सामिन किराम, आज की तो बड़ी खतरनाक सूरत हाल है आज के माशरे की। जो मुसलमान माशरा है अच्छी तरह पता है अल्लाह ताला के अहकामात का, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का, उसका ये भी मालूम है कि मेरा अमल इसके खिलाफ है। लेकिन आप देखें, आज का जो आम आवाम की मैं बात कर रहा हूं, गुनाह पर इसरार करते हैं, फिर उसके लिए दलायल तराशे जाते हैं, उसकी हिमायत में, अपने गुनाह की हिमायत में दलायल दिए जाते हैं, तो आज का माशरा तो ऐसा है कि जानते बूझते ये नहीं गुनाह कर रहा है। मिसाल मैं आपको दिया करता हूं सूद की। ये सूद जो है एक ऐसी बलाए आम है कि हम तकरीबन लोग इसमें मुब्तला हैं। सूद को इन्होंने, बैंकों ने मुनाफे का नाम दे दिया है। सूद, क्योंकि सूद तो हराम है, तो अब उन्होंने सिर्फ बदल दिया है नाम। अब वो कहते हैं कि भाई हम तुम्हें सालाना मुनाफा 8% देंगे, 10% देंगे। इन लोगों को भी मालूम है जो ये मुनाफा लेते हैं, इनको भी मालूम है कि ये मुनाफा नहीं बल्कि सूद है। लेकिन इंसान, आज का मुसलमान, ये सूद लेने और देने पर बहुत राजी है और खुश है। आप देखें, अगर आज ये एक बैंक ऐलान कर दे, एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, आम तौर पे जो है 10% तकरीबन मेरी मालूमात के मुताबिक 10% दे रहे हैं बैंक, या कमो बेश 9%, 8%, 7%, 12% कोई नहीं दे रहा। अगर कोई बैंक ये कर दे कि भाई ये बैंक ऐलान कर दे, हुकूमत का एक बैंक हो, हुकूमत का बैंक, बैंक इसलिए कह रहा हूं कि वो हुकूमत की गारंटी होती है उसमें, मिसाल के तौर पे नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है, वो ये कह दे कि भाई हम जो हमारे पास सरमाया रखाएगा तो उसको हम 25% मुनाफा देंगे सालाना। पाकिस्तान में अगर ये नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ये ऐलान कर दे कि भाई हम तुम्हें 25% सालाना मुनाफा देंगे, और वो अगर आप डेली बेसिस पर मुनाफा लेना चाहें तो हम डेली बेसिस पर भी आपको दे देंगे, मंथली बेसिस पर भी दे देंगे, तो आप थोड़ा सा मुझे बताएं कि उस बैंक पर रश ज्यादा हो जाएगा कि कम हो जाएगा। यकीनन मेरा अपना जाती ये ख्याल है कि वो खिड़की तोड़ हफ्ता होगा, खिड़की तोड़ हफ्ता, जैसा कि वो सिनेमा में कोई ऐसी हिट फिल्म लगती है ना, तो वो अब तो सिनेमा के इश्तेहारात भी नहीं आए और सिनेमा के रिवाज भी कम हो गया है। पहले ये होता था कि हाउसफुल है भाई, और खिड़की तोड़ हफ्ता, 35वां खिड़की तोड़ हफ्ता जारी है, सिनेमा और यानी फजूलियात, और उस पे आप देखें लोगों, खिड़की तोड़ हफ्ता और ब्लैक में टिकट, ये एक आम की कोई फिल्म चल रही है, टिकट नहीं मिल रहा है तो ब्लैक में टिकट बिकते हैं उसके। इसी तरह मैं वो मुनाफे की बात कर रहा हूँ, सूद की बात कर रहा हूँ जो कि बिल्कुल हराम है,
और उसकी हुर्मत में कोई किसी को शक व शुबा नहीं है। लेकिन अगर कोई, यानी आप समझ गए होंगे मेरी बात, तो बात यह है कि यहां तो गुनाहों पर इसरार होता है और ये तो यानी बहुत, यानी मैं ज्यादा इसके कोई अल्फाज नहीं कहना चाहता। बहरहाल मैं ये कह रहा हूं कि बला मन कसब सैयातन, जिसने बुराई का इर्तिकाब किया, वह अहातत भी खतियत हो और उसकी बुराई ने उसको घेर लिया। घेर लिया का मतलब यह है कि उसमें ईमान का कोई जर्रा बाकी न रहा, यानी बुराइयों में ऐसा फंस गया कि ईमान का जर्रा बराबर कोई शायबा न रहा उसमें। तो फिर फउलाए का अस्हाबुल नार, ये लोग जो हैं ये दोजख के हैं, यानी ये दोजख में जाएंगे जबान से भले वो अपने आप को मुसलमान कहते हों। आजकल तो बात ये है सामिन इकराम के कुफर पर हम राजी हैं, कुफरिया आमाल पर हमारा माशरा राजी है और ये तो धड़ल्ले से हो रहा है। आप देखें हमारे चारों तरफ धड़ल्ले से कुफरिया आमाल हो रहे हैं। मैं आपको सूद की मिसाल दे रहा हूं, मैं आपको रिश्वत की मिसाल दे रहा हूं, मैं आपको बिजली चोरी की मिसाल दे रहा हूं, मैं आपको, आप देखें माशरे में लोग, ये माशरा किस तरफ जा रहा है। तो इसमें फिर ईमान की रमक कहां है? ईमान किस चीज का नाम है? ईमान तो एक अलग चीज है। वो अहातत भी, उसकी गुनाहों ने उसको घेर लिया, यानी बस वो उसी ख्याल, यानी गुनाह पर वो राजी है, अब नेकी पर, नेकी उसको बुरी लगती है, गुनाह पर वो राजी है और खुश है। और सामिन इकराम आज बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो वो गुनाह कर रहे हैं उस पर राजी हैं, मुतमइन हैं, खुश हैं, उसके हिमायत में दलायल दे रहे हैं। ऐसे, यानी मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन आप देख लें माशरे में कि वो उस पर दलील देते हैं, अल्लाह की नाफरमानी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के खिलाफ आमाल खुद भी करते हैं, फिर धड़ल्ले से करते हैं, फिर उस पर दलाइल भी, यानी बहस भी करते हैं कि भाई। तो फउलाइक असहाबुन्नार, देखें ये एक अल्लाह ताला कानून हमारे सामने बयान कर रहा है। मन का सब सैयातन, जिसने भी बुराई का इर्तिकाब किया, जबान से वो चाहे अपने आप को जो कुछ भी कहे, लेकिन अगर वो बुराई का मुर्तकिब हो गया, बुराइयों का इर्तिकाब करता है और उसकी बुराइयों ने उसको घेर लिया, वह अहातत, जिसकी तफसील मैंने आपको बयान कर दी, तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि ये लोग जो हैं ये असहाबुन नार हैं, ये लोग जन्नत में नहीं जाएंगे और चंद दिनों के लिए भी जन्नत, यानी इनको आग से निकलना भी नहीं है। ये बात सामिन कराम नोट कर लें, यानी आप अच्छी तरह इन आयात को देखें और समझें। मन का सबा, जिसने बुराई का, यानी नाम मुंह से चाहे वो जो कुछ भी कह रहा है, लेकिन ये दोजख में जाएगा। हुम फीहा खालिदून, हमेशा हमेशा के लिए दोजख में जाएगा। थोड़ा सा यानी गफलत की नींद से बेदार होने की जरूरत है। ये एक अलग बात है कि अगर कोई दोजख को या हयात बादे मौत के को न मानता हो, आखिरत के वजूद से इनकारी हो, वो एक अलग बात है सामिन इकराम, उससे हम बहस नहीं करते। लेकिन अगर कोई कहता है कि हाँ मरने के बाद तो दोबारा जी उठना है हमने और अल्लाह ताला के पास हमने हाजिरी देनी है, अपने आमाल की जवाबदही करनी है, तो फिर ये आयात का मुतालिया और इसको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। देखें हुम फीहा खालिदून जो है ये अल्लाह ताला काफिरों के लिए इस्तेमाल करता है, मुशरिकों के लिए इस्तेमाल करता है, मुनाफिकों के लिए भी इस्तेमाल करता है।
आप समझ लें, यानी मुनाफिक कौन है जो जबान से तो दावे ईमान करते हैं लेकिन हकीकत में वो मुसलमान नहीं है, बराए नाम मुसलमान है। हम फी हा खालिदून पे जरूर तवज्जो दें क्योंकि ये बड़ी खतरनाक बात है, जन्नत दोजख में हमेशा हमेशा के लिए रहना। और ये किन सिफात के लोग होंगे? मन कसब सय्यअतन, जिसने बुराई का इर्तिकाब किया और वो करता है और उसकी बुराइयों ने उसे घेर लिया, जिसकी मैंने तफसील आपको बयान कर दी। तो ये लोग जो हैं जहन्नमी हैं, ये लोग जहन्नम में जाएंगे और हमेशा उसमें रहेंगे। सामने किराम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें फरमाते हैं कि देखें कि बुराई कोई बुराई भी हो उसको आप छोटा ना समझें, यानी बुराई को बुराई समझें, किसी छोटी बुराई को भी आप छोटा ना समझें, हल्का ना समझें, क्योंकि ये फिर और बुराइयों को जन्म देती है। एक बुराई जो है और बुराइयों को जन्म देती है। तो दूसरी बात यह है कि गुनाह या अल्लाह ताला, ये तो खैर एक अलग मज़मून है जिसके बारे में फिर किसी वक्त मैं आपको कुछ कह सकूंगा। इस वक्त तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि बुराई पर मुतमईन नहीं होना चाहिए और उसको यानी बुराई समझना चाहिए, बुराई को बुराई समझना चाहिए और उससे जान छुड़ाने की कोशिश करनी चाहिए। तो दूसरी बात यह है कि अब जन्नत में कौन जाएगा, उसकी भी यानी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, एक जुमला है, एक आयत है, एक जुमला है, वल्लजीना आमनू व आमिलुस सालिहात उलाइका असहाबुल जन्ना हुम फीहा खालिदून। जो ईमान लाए और उसके और अमल सालिह किया, ये लोग जो हैं ये जन्नत में जाएंगे। सामईन किराम, जो कुरान जो उसूल हमें बयान कर रहा है इसको समझ लेने की अच्छी तरह जरूरत है। ईमान बगैर अमल के नामकबूल है, ये आप नोट कर लें, छोटी सी बात है आप नोट कर लें, ईमान बगैर अमल के नामकबूल है। ईमान तो, ईमान का क्या मतलब है? ईमान का मतलब ये, आप दिल से, आपका दिल एक बात की गवाही दे दे तो फिर आपको साहिब ईमान कहा जाएगा। लेकिन अगर आपने जबान से कह दिया, दिल में आपके ईमान नहीं है, तो फिर तो अमल का किसी नेक अमल का साबित होना बहुत मुश्किल है। और अगर होगा भी तो वो रिवाजन होगा या रिवायतन होगा, ये तो हम रिवायात के पाबंद हो गए हैं, जबान से कलमा पढ़ते हैं, ईद की नमाज पढ़ लेते हैं और ईद के दिन शीर खुरमा खा लेते हैं और कुर्बानी के दिन जो है वो कुर्बानी कर लेते हैं। यानी ये चंद रिवायात रह गई हैं सारे निकरा, दीन की चंद रिवायात हैं, कुर्बानी है भाई, कुर्बानी लेनी है। यानी ये एक अजीब किस्म की सूरत हाल है कि कोई यानी कोई कोई अदाएं आपको याद रह गई हैं, रमजान आ गया है रोजे रखने, कुर्बानी आ गई है, ईद आ गई है ईद कुर्बान तो उस पर जानवर लेके ज़िबह करना है, इसके अलावा आपने कारोबार क्या करना है और जिंदगी मजीद जिंदगी कैसे गुजारनी है इसके बारे में हमारा कोई यकीन नहीं है कि इसमें भी कुछ हिदायात हमारे लिए मौजूद हैं। ईमान और अमल सालेह एक मुख्तसर बात है। वल्लजीना आमनू व आमिलुस सालिहात, देखें ईमान और अमल सालेह, इससे पिछली आयत जो थी, मन कसब सय्या, यानी बुराई की और बुराइयों में वो फंस गया और फंसता चला गया, और यहां जो है ईमान है और नेक अमल है। ईमान और नेक अमल, इसके साथ बुराई मुमकिन है, लेकिन एक तो बुराई पर इसरार नहीं करना आपने और उससे फौरन तौबा तायब हो जाना है और अल्लाह ताला की तरफ रुजू करना है।
तो ये तर्ज अमल जो है, यानी आप ईमान ले आए और उस ईमान के मुताबिक आपने अमल शुरू कर दिया, और अगर कोई गुनाह होता है तो आप उसकी फौरन दुरुस्तगी कर देते हैं। किसी के साथ, मखलूक के साथ कोई हक तलफी हुई है, आप उसका हक उसको अदा कर देते हैं। और अगर ऐसा नहीं है, अल्लाह ताला की कुछ हुकूक में हक तलफी हुई है, तो आप उनके, यानी नमाज कजा हो गई है, आप कजा नमाज अदा कर लेते हैं साथ। तो ये चीज जो है, यानी जन्नत में दाखला कैसे मिलेगा, ये बात नोट कर लें, ईमान और अमल सालेह से। और सूरह असर में जो है बैने यही अल्फाज हैं, इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात, बाकी सारे लोग जो हैं वो नुकसान में जा रहे हैं। वल असर इन्नल इंसान लफी खुसर इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात। सामिन इकराम, बहुत मुख्तसर बात है और बहुत यकीनी बात है, जन्नत में दाखिले के लिए किसी का ईमान है और नेक अमल है। अल्लाह ताला लनुदखिलन्नहुम फिस्सालिहीन, अल्लाह ताला वादा करता है, ये किताब में लिख दिया है अल्लाह ताला ने कि उनको जरूर मैं सालिहीन की टोली में शामिल करूंगा। अल्लाह अकबर। यही, यानी अगर कोई ऐसा अमल करता है, ईमान के साथ नेक अमल करता है, तो फिर जो है, फिर तो ठीक है, फिर उसको यानी दोजख की आग नहीं छुएगी। ये जन्नत वाले हैं, ये असहाबुल जन्नत हैं, हुम फीहा खालिदून, हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। देखिए ये बातें जो हैं सामिन इकराम, ये बातें जो हैं, ये अल्लाह ताला ने लिख दी हैं। इससे पहले तो अल्लाह ताला ने कहा है ना कि भाई जो कहते हैं कि हमें आग नहीं छुएगी, तो अल्लाह ताला ने कहा कि अत्तखस्तुम इंदल्लाहि आहदन, भाई कोई वादा है? हाँ वादा है, लेकिन उसके साथ कुछ शराइत है, और ये वादा अल्लाह ताला ने लिख दिया है, ये लिख दिया है, और इसके अल्लाह ताला इन्नल्लाह ला युखलिफुल मीआद, अल्लाह ताला अपने वादों के खिलाफ नहीं करता। तो वादा क्या है? वल्लजीन आमनु وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ। बड़े आसान है जन्नत में दाखिला, बहुत आसान है। अल्लाह ताला हमारी इस्तेताअत से ज्यादा बोझ हम पर नहीं डालता, सिर्फ ईमान लाना है और ईमान के मुताबिक अमल करना है, और अमल भी ऐसा कि वो हमारी इस्तेताअत से ज्यादा नहीं है। दीन जो है, हुजूर फरमाते हैं कि दीन आसान है, अद्दीन युसरुन सहलतुन बैजा, दीन आसान है, रोशन है, सहल है, आसान है, रोशन है। तो दीन में कोई मुश्किलात नहीं है। मुश्किलात उस वक्त पैदा होती हैं जब आप एक काम ना करना चाहें। जन्नत अगर आपका मकसूद नहीं है, यानी जन्नत में कौन है? जन्नत में ज़ाते बारी ताला। इस वक्त में मेरे पास वक्त नहीं है, बहरहाल जन्नत हमारी कामयाबी की जगह है, या हमें हमारा मकसूद मिलेगा। तो जन्नत अगर किसी का मकसूद है, तो उसका सौदा बहुत आसान है, बहुत आसान तरीके से अल्लाह ताला हमें ये जन्नत देना चाहता है। तो सिर्फ यह है कि तक्वा इलाही इख्तियार करना है। और वल्लज़ीन आमन, देखिए दो चीज़ें हैं, ईमान और अमल सालेह, बस ये दो चीजें जो हैं आप किसी से पूछ कर कर डालें, पूछ के कर डालें, अपने मर्जी से नहीं। अपनी मर्जी से तो सारे अमल सालेह कर रहे हैं, हर एक कहता है कि भाई मैं तो बस अमल सालेह अगर है तो मेरा है, दीगर लोग तो ऐसी ऐवी लगे हुए नहीं। किसी से पूछ कर, किसी सच्चे इंसान से पूछ कर, किसी अल्लाह वाले से पूछ कर, आप अपने अमल को अमल सालेह बना लें, ईमान ले आए और अमल सालेह कर लें, तो जन्नत जो है आपके पीछे अल्लाह ताला ने लिख दी है कुरान। एक अस्हाबुल जन्ना, ये लोग जो हैं जन्नत वाले हैं, हुम फीहा खालिदून, हमेशा
हमेशा के लिए जन्नत में रहेंगे। तो सामने कराम इतना मुश्किल नहीं है, मुश्किल उस वक्त होता है जब हम एक काम न करना चाहें। और बात यह है कि हमारा मकसूद तो जन्नत कभी नहीं रहा और न जन्नत न दोजख से बचना हमारा कभी मकसूद रहा है। तो अगर ऐसी बात है तो फिर तो बात थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी, और वही होगा कि बुराइयों में हम डूबते जाएंगे यहाँ तक कि हम यानी दिल जो है काला सियाह हो जाएगा। व आखिर दावाना अनिलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहु।